हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने आई हूँ। ये है चना, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि मैं कैसे घर में ही चटपटी बनाती हूँ, यानी कि चना जोर गरम। पहले मैंने इसको सारी रात सोक करके रखा था, उसके बाद इसको बॉईल करके मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने एक हथौड़ा लिया, पहले किचन टॉप साफ कर लिया था, उसके बाद एक हथौड़े के मदद से मैंने ये सारे चने जो है इस तरह से दबा दबा के चटपटी के शेप में लाया है। इसी तरह से एक एक करके सारे चने को मैं चटपटी का शेप दे दूंगी। अगर आपको किचन टॉप में ऐसे दबा के करने में अनहाइजीनिक लगा होगा तो आप चक्की का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको चटपटी का शेप देने के बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा धूप में चढ़ाना। अगर धूप ना निकले तो आप इसको फैन के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ, इसका ध्यान रखें कि ये एटलीस्ट 6 to 7 hours फैन के नीचे या फिर धूप के नीचे रहना चाहिए। चलिए, मैंने फैन चला दिया है और सारे चटपटी को फैन के नीचे रख दिया है ताकि ये अच्छे से सूख जाए। इसका सारा मॉइस्चर जो था फैन ने सुखा दिया है। अभी इसका नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा बेक करना। चलिए देखते हैं मैं कैसे बेक करती हूँ। अगर आपने मेरा ओरियो बिस्किट केक वाला रेसिपी देखा होगा, कुल जरूर पता होगा कि मैं विदाउट माइक्रो ओवन कैसे घर में ही बेक करती हूँ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैंने ऊपर आई बटन में मेरा उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ऐसे मैंने केक को बेक किया था, सेम उसी प्रोसेस में मैं इन चटपटियों को भी बेक कर लूँगी। आफ्टर 20 मिनट्स मैं चेक करूंगी कि मेरा जो चटपटी है कितना क्रिस्पी बना है। चलिए एक बार इसको अच्छे से मिला लें। देखिए कितना कुरकुरा सा साउंड दे रहा है ना? बना है ना क्रिस्पी, और लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा चटपटी। मैं एक बार इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए कितना कुरकुरा बना है। हमारा चटपटी बनके तैयार हो गया है। चलिए गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। And it is ready to serve. इसको निकालेंगे ठंडे होने पर। इसको ऑनियन चॉप करके और कोरिएंडर लीव्स चॉप करके सर्व करेंगे चाय के साथ। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा और आप कब ये रेसिपी ट्राई करने वाले हो। अगर आपको कोई भी रेसिपी का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।